जो मैं करता हूँ करने दो, जो मैं पढ़ता हूँ पढ़ने दो, जहाँ मैं जाता हूँ जाने दो, जहाँ मैं रहता हूँ रहने दो। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। अगर कहना हो जो मैं करता हूँ मुझे करने दो, यानी सबसे पहले मुझे करने दो की इंग्लिश आप लिखेंगे लेट मी डू। उसके बाद आपका जो एक सेंटेंस बचा, जो मैं करना चाहता हूँ, इसके लिए आप कहेंगे व्हाट आई वांट टू। तो ये पूरी बात ऐसी होगी, लेट मी डू व्हाट आई वांट टू। लगता है आप समझे नहीं, आइए इन सभी बातों को अलग अलग समझें। अगर आपको कहना हो कि मुझे जाने दो तो आप कहेंगे लेट मी गो। मुझे खाने दो लेट मी ईट। मुझे बोलने दो लेट मी स्पीक। मुझे नाचने दो लेट मी डांस। मुझे बैठने दो लेट मी सिट। मुझे हंसने दो लेट मी लॉफ। और अगर आपको कहना हो कि जो मैं चाहता हूँ, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट आई वांट टू। जो वह चाहता है व्हाट ही वांट्स टू। जो वह चाहती है व्हाट शी वांट्स टू। जो वे चाहते हैं व्हाट दे वांट टू। जो आप चाहते हैं व्हाट यू वांट टू। जो वे लोग चाहते हैं व्हाट दे वांट टू। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये छोटा छोटा समझ में आया। आइए अब इन्हें कंबाइन करके देखते हैं। जो मैं खाना चाहता हूँ मुझे खाने दो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लेट मी ईट व्हाट आई वांट टू। यानी लेट मी ईट, मुझे खाने दो, व्हाट आई वांट टू, जो मैं खाना चाहता हूँ, जो मैं लिखना चाहता हूँ मुझे लिखने दो, लेट मी राइट व्हाट आई वांट टू। जो मैं देखना चाहता हूँ देखने दो, लेट मी सी व्हाट आई वांट टू। जो मैं करना चाहता हूँ करने दो, लेट मी डू व्हाट आई वांट टू। जो मैं पढ़ना चाहता हूँ मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड व्हाट आई वांट टू। यानी जो मैं पढ़ना चाहता हूँ मुझे पढ़ने दो। अगर आपको कहना हो कि जो वह लिखना चाहता है उसे लिखने दो, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लेट हिम राइट व्हाट ही वांट्स टू। जो वह पकाना चाहती है उसे पकाने दो, लेट हर कुक व्हाट शी वांट्स टू। यानी जो वह पकाना चाहती है उसे पकाने दो। यहाँ मैं एक छोटा सा बात बता दूं कि लेट के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्ट केस में होगा, जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी, यू का यू, वी का अस, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम होता है। तो लेट के बाद आप कभी सब्जेक्ट केस न लिखें बल्कि ऑब्जेक्ट केस लिखें, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अगर आपको कहना हो कि जहाँ मैं जाना चाहता हूँ मुझे जाने दो, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लेट मी गो वेयर आई वांट टू। जहाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड वेयर आई वांट टू। यानी जहाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ मुझे पढ़ने दो। आइए फ्रेंड्स इसी तरीके के कुछ और सेंटेंसेस देखें, जैसे मैं आपको पढ़ने नहीं दूंगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं आपको खाने नहीं दूंगा, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। यानी सबसे पहले आप कहेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप कहेंगे विल नॉट लेट, उसके बाद आप कोई ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। कैसे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो। मैं आपको खाने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू ईट। मैं आपको पढ़ने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू रीड। मैं आपको हल्ला नहीं करने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू मेक अ नॉइज। मैं आपको लड़ने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू फाइट। इन सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए मैंने इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा, तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।